आज की इस वीडियो में आदसे के बताने वालों जितने भी बच्चे क्लास इलेवंथ में सोच रहे हैं कि उनका एस एस सी में एडमिशन हो जाए यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइट एक्सिलेंस सेशन दो हज़ार बाईस से दो हज़ार तेईस उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहना लिया और इस वीडियो में हादसे को बताने वालों कि आप सभी को कैसे यहाँ पर एडमिशन लेना है उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक जितने भी बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका ऐसा एस ऐसी स्कूल है ये दिल्ली का नंबर वन स्कूल है जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये दिल्ली का नंबर वन स्कूल माना जाता है और यहां पर मैं आपको बता दूं जितनी भी प्राइवेट से भी ज्यादा यहां पर आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं जैसे कि यहाँ पर आपको टीचर बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे और बाकी यहाँ पर जो आपकी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स वाली सुविधा है वो यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है यानी कि ए एफ पी एस वाले जो स्कूल होते हैं आर्म फोर्स प्रिपेटरी स्कूल ये स्कूल एस एस सी के अंडर में ही आता है और यहाँ पर आपको आर्मी की तैयारी कराई जाती है जैसे कि आप जानते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपका एनडीए का एग्जाम होता है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तो फिर वहां पर आप फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर मेडिकल की पूरी की पूरी व्यवस्था कराई जाती है तो फिर अब आप मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना होता है इस साल की बात करें तो फिर इस साल जो आपके इसके फॉर्म है वो फेबर में रिलीज कर दिए गए थे यानी कि आपको आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना था February 2022 में hmm. मैंने आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड की थी तो फिर तभी मैं आपको कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको न्यू जितने भी एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपको यहां पर मिलती रहती है और जितने भी सीबीएसई की आपकी लेटेस्ट न्यूज होती है सारी सारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड जरूर से कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो फॉर्म है वो फेब्रवरी में रिलीज कर दिए गए थे ऑनलाइन तो फिर जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था क्योंकि इसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया था पहले इसमें रखा गया था कि 80 परसेंट से अबोव वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यानी कि जिन भी बच्चों के क्लास नाइन्थ में 80 परसेंट से अबोव मार्क्स आए उनका यहाँ पर एडमिशन हो सकता था पर थोड़ी दिन बाद यहाँ पर से परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया गया अब यहां पर आपको एडमिशन तो नहीं मिल सकता क्योंकि अब आपको क्लास इलेवेंथ में एडमिशन कराना है तो फिर आप ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कर रही है बाकी अभी मौका उन बच्चों के पास है जो अभी क्लास नाइन्थ या फिर टेंथ में पढ़ रहे हैं। तो फिर वो एक दो साल बाद जब भी वो इलेवेंथ में आने वाले होंगे तो फिर फॉर्म निकलेंगे वो यहां पर फिल कर सकते हैं अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो फिर आप उनका फॉर्म फिल करवा सकते हैं जब भी फॉर्म दोबारा से रिलीज होंगे क्लास इलेवेंथ के लिए और मैं आपको बता दू यहाँ पर एडमिशन दो क्लासेस के लिए होता है क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवन तो फिर अगर कोई बच्चा एट्थ क्लास से नाइन्थ में आना चाहता है तो फिर यहाँ पर उनका एडमिशन होगा और अगर कोई बच्चा क्लास टेंथ से इलेवंथ में आना चाहता है तो फिर यहाँ पर उनका एडमिशन होगा तो फिर यहाँ पर मैंने आपका क्लियर डाउट कर दिया होगा कि यहाँ पर आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा और यहाँ पर मैं आपको बता दू यहाँ पर आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जो भी बच्चे उस एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उन सभी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होता है और बाकी जिन भी बच्चों का नहीं हो पाता वो गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल अपना चूज करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास तो मौका नहीं रहा और बाकी जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे आप उनको बता के उनका यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा अगर वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उनका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा तो फिर ये पूरी पूरी आपकी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ऐसे ऐसी स्कूल में एडमिशन कैसे कराना है बाकी अब तो आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा और बाकी आप इसके बदले गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं वो भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर भी सेम पढ़ाई होती है बस थोड़ी फैसिलिटीज थोड़ी कम होती है तो फ्री पूरी की आपकी वीडियो थी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नाटक तो से आता चलिए जय हिंद जय जाह भारत